So namaskar, Dosto My name is Weapon Kumar Sharma, and you are watching me on this prestigious platform of an academy that is G in ten. So in this particular video, we will be talking about the Basidiomycetes. So in the earlier videos, we talked about the phycomycetes in detail. After that, we have talked about the Ascomycetes, and now it's time for the Basidiomycetes to be done. All right. So without wasting any time, let's crack it, guys. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed.

फॉर यीपेरेशन सारे सारे जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले एंड अदर देन दैट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यार वन ईयर ऑफ माय फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है टू क्वालिफाई द नीट एग्जामेशन जब भी आप उसे देना चाहें सो गाइज लेट स्टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन दैट इज दाइसिटीज सो एस्को माइसिटीज को हम लोग क्या कह रहे थे so, here, uh, जो बेसिडियो माइसिटीज है इनमें बेसिकली आपके वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो आप यूजुअली देख पाते हैं अपने सराउंडिंग में जैसे कि मशरूम्स वगैरह ओके जैसे ब्रैकेट पंजाई वगैरह पफ बॉल्स वगैरह सो ये सारे आपके बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं हम बेसिडियोमाइसिटीज के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे यू you नो know, हम लोग मशरूम को कंसिडरेशन में लेके पढ़ेंगे बिकॉज ये आई होप आप सबने देखा ही होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में सो द फर्स्ट पॉइंट इज देयर अकरेंस दे ग्रो इन सॉइल्स और ऑन ट्री लॉग्स

आपको हमने बताया था कि यूनो you know, पक्सिनिया वगैरह जो होता है जो कि वीट में बीमारी कॉज करता है ये आपका रस्ट पंजा है यानी कि ये जो है वीट में बीमारी कॉज करेगा इट मीन दैट इट इज इज पैथोजेनिक और वी कैन से इट पैरासिटिक ये डायरेक्टली इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा और इसे न्यूट्रिशन डराइव करेगा सो द माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट सो ये पॉइंट आपका एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियो का एकदम करेक्ट है एस्कोमाइसिटिस की तरह बेसिडियो में भी आपकी माइसिलियम जो है ब्रांच होगी और सेप्टेट होगी यानी इनमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज क्रॉस वॉल्स आपके न्यूक्लियस जो है दोस्तों वो आपके अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रेजेंट होंगे सो आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहां पर देखने को आपको नहीं मिलेगी यहां पर यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको देखने को मिलती है ये बात आपको याद रखनी है अक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है यहां पे ये यह यूजली नहीं पाई जाती ओके okay? लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से होती है यानी अगर आप बात करें एक पर्टिकुलर फंगस की तो ये जो फंगस है ये अपने आप को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेगा एंड एवरी फ्रेगमेंट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट सेल्फ इन न्यू अंजाई यानी यहां पर जो न्यू फंजाई है वो आपको बनती हुई दिखाई दे जाएंगी ओके सो दिस इज वायर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बट अगर आप असेक्सुअल स्पोर्स की बात करो तो असेक्सुअल स्पोर्स यहां पर यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलते सेक्स ऑर्गन्स भी यहां पर एबसेंट रहते हैं लेकिन यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है आपकी प्लाज्मोगेमी यानी प्लाज्मा जो है आपका बेसिकली प्रोटोप्लाज्म उसका फ्यूजन कैसे हो सकता है दो वेजिटेटिव सेल्स या फिर दो आपके सोमेटिक सेल्स जो है बॉडी के अलग अलग स्ट्रेन या जीनोटाइप के वो साथ आकर कंबाइन हो जाते हैं अलग स्ट्रेन और अलग जीनोटाइप क्यों बोला बिकॉज हमने पहले ही एक वर्ड पढ़ लिया था दैट इज द कंपैटिबल हाइफे यानी ये जो हाइफे जिनके बीच में आपकी फ्यूजन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हाइफे आपके कंपेटिबल होने चाहिए और कंपेटिबिलिटी कब होती है जब इन दोनों का जो जीनो है या फिर इनका जेनेटिक कॉम्पोनेंट जो है वो डिफरेंट हो फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी हाइफे ऑफ स्ट्रेन ए एंड द सेकंड राइट नाउ इज द हाइफे ऑफ स्ट्रेन बी सो ये दोनों अब अलग अलग है सो so ये दोनों कंपेटिबल हो जाते हैं तो ये जो इनके सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स है ये साथ आकर क्या करेंगे एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देंगे और जैसे ही ये फ्यूज करेंगे ये जो है अपना क्या बना लेंगे

कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बेसिडियो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे मैंने आपको क्या बताया था दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर काफी सारे आपके स्पोर कंटेनिंग थैले लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको आप लोग क्या बोलते हो सैक्स ओके सैक्स और राइट सो जब हम एस्कोमाइसिटिस की बात कर रहे थे दिस इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प इस फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प बोल रहे थे इसको हम लोग एसआई SI या फिर एसकस बोल रहे थे स्ट्रक्चर -like हम, हम लोग इसे बोलेंगे बेसिडियोकार ओके okay? यहां पर हम लोग इसे क्या बोलेंगे हम लोग इसे बेसिडियम बोलेंगे एस्कस की जगह और इसके अंदर जो है बेसिकली आपके जो स्पोर्ट्स बनेंगे वो बेसिडियो स्पोर्ट्स बनेंगे ओके okay? और यूजुअली ये जो बेसिडियोसोर्स होते, है, होते हैं एंडोजिनसली ना प्रोड्यूस होकर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं सो कैसे वो हम अभी देखेंगे सो कैरियोगी एंड जो है वो आपका बेसिडियम के अंदर टेक प्लेस करता है सो so, कैरियोगी मतलब आपका यहां पर एन प्लस एन न्यूक्टेड स्टेज था सो so, यहां पर आपका डिप्लॉयडोट बन जाएगा और इस डिप्लॉयडोट के बाद जब म्योसिस होगा सो so, एक डिप्लॉयड सेल म्यूसिस के बाद क्या बनाता है चार हेप्लॉयड सेल्स बनाता है ना यार सो so, यहां पर क्या होगा आपके चार स्पोर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे अंदर सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं मैं बाकी क्योंकि यहां पर एक्सोजिनस डेवलपमेंट होती है सो तो आपको फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर ये देखने को मिलेंगे ओके सो दे आर ऑन 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 द द द द बेसिडियम 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 प्रोड्यूस नॉट इन ग्रामर पे फोकस करो यहां पे थोड़ा सा बेसिडिया आर अरेन्ज इन फ्रूटिंग बॉडी जिन्हें बेसिडियो कार्प बोला ये हम लोग समझ चुके हैं यानी कि यहां पर बेसिडियो कार्प है एस्को कार्प की जगह आपका यहां पर एस्कस और एसआई SI की जगह क्या है आपका बेसिडियम है

हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि रस्ट और स्मर्ट जो है इसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इसके अलावा जो है आपको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनेपल तो याद करने की ट्रिक है आज मैं उस से परेशान रहा इसका क्या मतलब है आज मीन अगेरिकस इनिशियल देखो मे का मतलब है मशरूम सो आज मै का मतलब है अगेरिकस मशरूम जो कि सेम है उस दैट इज दिलागो सेम मीन स्मट यानी और स्मट एक है परेशान रहा परेशान पी और शान में से आप सी लेंगे प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे सो दिस इज पक्सीनिया ओके okay, एंड रहा का मतलब है रस्ट सो ये दोनों आपके एक है सो आज मैं उससे परेशान रहा अगेरिकस मशरूम उसगो स्मट एंड पक्सिनिया रस्ट ऑल राइट right? सो आई होप दैट यू गॉट दिस वीडियो वेरी वेल अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई अगर आप लोगों को बेस वीडियो माई सेट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए प्लीज मेक शोर दैट यू कनेक्टेड टू अस ऑन टेलीग्राम बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर ईच एंड एवरी न्यूज एंड लास्ट बट नॉट द लीट इफ यू वॉन्ट टू टेक अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लीज मेक श्योर की आप विपिन नाम के इस कोड को यूज करें इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट टू अचीव सम एडिशनल पर्क और इससे आप अपना जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आसान तरीके से निकाल ले जाएंगे तो थैंक यू सो मच गाइज लॉर्ड्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू